आप जो जानते हैं और मानते हैं उसी को हम गा के सुनाते हैं। आप जानते हैं जी, हम भी जानते हैं कि आप जानते हैं। बाबा ने लिखते समय कहा, मुनि ने प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। बात सब वही है लगभग में। हम लोग यह सर्वकालिक जानते हैं कि चक्रवर्ती जी महाराज अयोध्या के राजा थे, गुरु प्रसाद से एक यज्ञ हुआ, पुत्र काम यज्ञ, और प्रभु का अवतरण हुआ। जीवन में कुछ भी प्राप्त करना हो तो उसके लिए केवल एक बात अनिवार्य है, वह है सत्य। जिसके साथ सत्य है वो जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। अब प्राप्य भी प्राप्य हो जाता है। सत्य, पुरुषार्थ, विश्वास, एक भी आवे कुछ भी जावेगा नहीं, बढ़ता ही जावेगा। मनुष्य का ऐश्वर्य जगत में बढ़ जाए तो ये उपलब्धि नहीं है। मनुष्य के जीवन की सत्यता और साधुता की अभिवृद्धि होनी चाहिए। देखो भाई, संसार का सब कुछ टिकने वाला नहीं है। जो इहलोक और परलोक तक हमारे साथ रहे उसी को टिका हुआ समझते। चक्रवर्ती जी महाराज की एक कुल की परंपरा है, महाराज अंशुमान, महाराज असमंजस, महाराज दिलीप, महाराजा भगीरथ, महाराजा रघु, महाराजा अज, महाराज चक्रवर्ती जी दशरथ, एक परंपरा है। जिस कुल की परंपरा धर्म सम्मत है, धर्म धुरंधर है, वहां दुख तो आवेगा ही नहीं। और दुख तो संसार का व्यवहार है, सुख अहर्निश बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। एक समय था लोग संतान के कारण से अधर्म का आश्रय नहीं करते थे, परंतु ऐसा कलिकाल बिगाड़ा है मन को कि संतान के लिए ही मनुष्य अधर्म में गति कर जाता है। कितना अंतर हुआ है आप दर्शन करिए। चक्रवर्ती जी महाराज ने कुछ नहीं किया, जो किया सो गुरु जी ने किया, तो भला बुरा जो है सब गुरु महाराज का है। और आप देखें, माँ कौशल्या जी के अंक से तो सरकार प्रकटे, परंतु दो माताओं के अंक से भगवान के अंश प्रकटे। अनशन सहित मनुज अवतारा। जीवन में धर्म हो, धर्म हो, धर्म क्या है वह आचरण हम धारण करें और हमारे आचरण से किसी अन्य को कष्ट न हो, यह धर्म है। जाने के बाद यही बचता है और कुछ बचेगा नहीं, यही बचता है केवल। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दासतां अपनी दुनिया, नाम रह जाएगा आदमी का, क्योंकि ये ठठरी साथ देती नहीं है किसी का। तो आनंद महोत्सव श्री अवध में चौगुना हो गया,
दर्शन करिए दो पंक्तियां। कै कै सुता सुमित्रा दो वो सुंदर सोत जन मत भय वो कै कै सुता संपत्ति समय समाजा कही न सकैषा हृदय हीरा भगवान ने दिन में अवतार ले लिया, रात बेचैन हो गई। क्यों? आपसे कोई मिलने आए और वो द्वार पर खड़ा हो, उससे न मिलकर आप दूसरे से मिलते रहे, वो खड़ा रहे, बैठा रहे, कुर्सी लगवा दीजिए, सोफा लगवा दीजिए, बिस्तर लगवा दीजिए, सबसे मिलिए, उससे न मिलिए, तो उसको क्या होगा? बार बार भड़बड़ाएगा, सबसे मिल रहे हैं, हमको 3 बजे से बैठाएं, हम बैठे, उलझन होती है। कब? न मिलने की नहीं, आप औरों से मिल रहे हैं, हमसे नहीं मिल रहे हैं। भगवान दिन का वर्ण किए, रात बेचैन हो गई। अब हम कैसे मिले प्रभु से? निश्चित है कि जब दिन आएगा तो रात गायब हो जाएगी। सूर्य नारायण की उपस्थिति दिवस है और सूर्य नारायण की अनुपस्थिति इस अंचल में ये रात्रि है। प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधकार है। तो वैसे अंधकार का कोई अपना निज अस्तित्व नहीं, सूर्य भगवान नहीं तो रात है। अब भाई जो जैसा होवे वो वैसा अवसर ढूंढता है। रात्रि अवसर ढूंढने लगी कि हम भगवान का दर्शन कब करें, सूर्य भगवान जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। कितने दिन? मास दिवस कर दिवस भाय हमर मन जाने को, रथ समेत रवि यहाँ लेकिन रात दिन जितना लंबा भया रात उतनी बड़ी हो गई। विद्वान लोग वेद ध्वनि कर रहे हैं, मानो पक्षी कलरव कर रहे हैं। देखिए धर्ममय जीवन जीने से ये परिणाम स्वतः आता है, अंतस्थ आनंदित रहेगा, आप निर्द्वंद रहेंगे, कोई संशय संदेह नहीं होगा, माथा में दर्द नहीं होगा।
किसी बात का तनाव आपको नहीं होगा। कब? जब आप धर्म आचरण करेंगे, जब हम धर्म आचरण करेंगे। धर्म का तत्व बड़ा गुह्य है, महाभारत बहुत गुह्य है, लेकिन है बड़ा सरल सा। धर्म पालन बहुत सरल है। धर्म के साथ रहने पर हम प्रकाश में रहते, धर्म छूटते ही हम अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा नहीं कि सबका धर्म अलग अलग है, धर्म एक है, हमारे मानने के ढंग अलग अलग है। महापुरुष कहते हैं जब हमको किसी सिद्धांत के बारे में गवाही लेनी पड़े तो हम गलत हैं। हमने जाना माना नहीं, उस पर दूसरे से पूछ रहे हैं, काहो हम सही कहत हैं ना, तो ना कहने वाले कम हैं के नाराज करी तो होगे, हाँ कहने वाले बहुत हैं। हाँ हाँ आप गलत कैसे कहेंगे, यहां हम गलत होते हैं। हमको किसी सिद्धांत को पालन करने में यदि गवाही की आवश्यकता पड़ती है तो हम गलत हैं। सिद्धांत स्वयं सिद्ध है, उसको गवाह नहीं चाहिए। यह सिद्धांत है कि सूर्य नारायण उपस्थित हैं तो दिन होगा। यह सिद्धांत है सूर्य भगवान इधर से अस्ताचल की ओर गए तो उधर दिन होगा, इधर रात्रि हो जाएगी। बस आनंद के समुद्र परमात्मा जिसके भी जीवन में आ जाएंगे उसके जीवन में आनंद ही आनंद होगा।